हे गाइस, वेलकम टू लव आर्ट एंड फैमिली। मैं हूँ रीनू सिंह। तो आज हम बनाने वाले हैं मैंगो, तो विद कलर्स। ओके, तो सबसे पहले हम ओवल बनाएंगे, और अगर आप ये एक बार में नहीं कर सकते तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, आपको जलेबी नहीं बनानी है, जस्ट एक बार में एक सर्कल, फिर दोबारा एक और सर्कल, फिर एक और। तो इस तरीके से आप तब तक प्रैक्टिस करते रहें जब तक आपसे एक बार में परफेक्ट नहीं बन जाता है। ओके, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद फिर जब ये कंप्लीट हो जाए और आपका परफेक्ट ओवल आ जाए, तब देखिए कितना इजी हो जाता है मैंगो बनाना। तो हमने ये ओवल बना दिया है, और अब ये देखिए हल्के से इसमें देना है कर्व। तो एक मिनट भी इसमें पूरा नहीं लगेगा और आपका मैंगो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इस तरीके से दिया है कर्व, और ये लीजिए हमारा मैंगो कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हम इसमें क्या करेंगे, ये जो ओवल है जस्ट हम इसको इरेज कर देंगे। ओके, तो हम इसे इरेज कर देते हैं। मैंने स्पीड बढ़ाई नहीं है, क्योंकि जो भी मैं इसमें कर रही हूँ वो अच्छे से आपको पता चल जाए मैं क्या कर रही हूँ, और यही इसमें मेन पॉइंट था, इसलिए मैंने बिल्कुल भी स्पीड तेज़ नहीं किया है, बिल्कुल नॉर्मल रखी है। ओके, तो इरेज करके जो हमने फाइनल किया था जस्ट उस लाइन को हम दिखा देंगे। ओके, यहाँ पर हल्का सा कर्व खराब हो रहा था, उसको फाइनल कर दिया है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। ओके, तो अगर आपका ओवल परफेक्ट है तो ये बहुत इजीली आप कर लेंगे। ये देखिए, अब जो पीछे से लाइन दिखाई दे रही है उसे हम इरेज कर देंगे। अब लीफ बनानी है हमें। वैसे इसकी लीव स्ट्रेट ही होती है, लेकिन उसमें वेव होती है तो इस वजह से एक कर्व नज़र आता है। ओके, तो देखिए कितना इजी है ना, बहुत इजी है मैंगो बनाना। तो अब हम करेंगे इसमें कलर। तो हम लेंगे तीन कलर। ओके, ये है मेरे कैमलिन के कलर, ठीक है, कैमलिन के पेन ब्रश वाटर कलर हैं ये। तो ये हमने तीन कलर लिए हैं, और रेड कलर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ऊपर की साइड रेड कलर करूँगी, और इसमें येलो मिलेगा तो हल्का सा इसमें ऑरेंज वाला शेड आ जाएगा। ओके, तो इसे मैं बिल्कुल वाटर कलर की तरह यूज़ करने वाली हूँ। नॉर्मली कर तो लेते हैं बच्चे लोग, लेकिन क्या रहता है जो बिगनर्स होते हैं इसको शेड नहीं दे पाते, मतलब कि दो कलर मिक्स नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसको ब्लेंड करना कैसे है, मेन इसमें बस यही है। तो इतना तो नॉर्मली सभी कर लेंगे, ठीक है, कि हमें कहाँ पर ग्रीन दिखाना है, कहाँ पर रेड दिखाना है, हमने कर लिया। अब बारी है येलो कलर की। तो येलो कलर से हम इन दोनों कलर्स को करेंगे ब्लेंड। तो हमने हल्का सा इसमें पानी ले लिया है, और हाँ, अगर आपको लगता है इसे ख़राब हो जाएगा तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ये खुद वाटर कलर्स हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसमें येलो कलर करेंगे, और क्योंकि कलर जल्दी सूख जाता है इसलिए हम दोबारा से रेड कलर, जहाँ पर हमें इसे ब्लेंड करना है वहाँ पर रेड कलर करेंगे, और तुरंत येलो से उसको ब्लेंड करेंगे। तो वो कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको। ओके, तो ये हमने लिया है रेड कलर, और ये कर दिया, और जस्ट इसको हम तुरंत येलो कलर से ब्लेंड करेंगे। ये देखिए अब हो रहा है ना ब्लेंड, बस यही मेन चीज़ है इसमें। और मैंने इसमें स्पीड इसलिए तेज़ नहीं की है ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें, और यही प्रोसेस हमें पूरे में करना है जहाँ भी हमें ब्लेंड करना है। ओके, जहाँ दो कलर ब्लेंड करने हैं वहाँ पर डार्क वाले कलर को हमें करना है, और जस्ट हम उसे इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं। और अगर हमें बहुत हल्के में कहीं पैच देना है हल्का सा, तो इस तरीके से आप रेड में और ये इस तरीके से लगा करके और आप ब्लेंड कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो यही प्रोसेस हमें रेड वाले पोर्शन में भी करना है, और यही प्रोसेस हमें ग्रीन वाले पोर्शन में भी करना है।
तो लीव में हम ये डार्क कलर से कर चुके हैं, अब बारी है लाइट कलर की। तो इससे जस्ट हम बैकग्राउंड को फिल कर लेंगे। ओके, लीव की जो बैकग्राउंड है हम उसे फिल कर लेंगे। उसके बाद बारी आएगी डार्क एंड लाइट शेड दिखाने की। तो पहले हम इसे फिल कर लेते हैं, फिर मैं उसे बताती हूँ। तो अब बारी है शेड दिखाने की। तो जो डार्क कलर है हमारा, डार्क ग्रीन है, उससे हम कुछ इस तरीके से शेड देंगे और इस तरीके से ब्लेंड करेंगे। ये देखिए, जो अंदर वाला कर्व है ना, हमें वहाँ देना है, क्योंकि डेप्थ वहीं दिखाई देगी। जो उठी हुई पत्ती है, जहाँ से उठी हुई है, वहाँ तो लाइट शेड आएगा, राइट। तो जहाँ से ये पत्ती दबी हुई है, देखिए जहाँ कर्व नीचे की साइड है, हमें वहाँ डेप्थ दिखानी है और फिर लाइट ग्रीन कलर से हम उसको हल्के हल्के फैला देंगे। और एक बार में पूरा ना करें, ये एक बार में सिर्फ एक ही करना है और पहले उसको ब्लेंड करना है, देन आगे बढ़ना है, क्योंकि तब तक ये फिर सूख जाएगा और फिर ब्लेंड नहीं होगा, ठीक है। तो हमें ऐसे ही ये पूरे में करना है। और देखिए, अब आपको कर्व ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा होगा, अब डेप्थ पता चल रही है इसमें अच्छी तरीके से। तो बस यही प्रोसेस हमें आगे तक करना है। ये लाइट ब्राउन कलर से हमने बैकग्राउंड कर लिया और अब डार्क कलर से हमें जहाँ भी पैच इसके दिखाने हैं या फिर कुछ लाइंस दिखानी है, हम दिखा सकते हैं। अब ये शेडो के लिए भी हमारे पास तीन कलर हैं, एक ब्लैक है, फिर ग्रे है और फिर एक लाइट ग्रे है। तो ये मैंने लाइट ग्रे कलर से किया है। जब भी आप कोई शेडो देखेंगे तो उसमें ग्रे कलर होता है, लेकिन उसके बिल्कुल ऑब्जेक्ट के पास में थोड़ा सा डार्क कलर होता है। तो सबसे पहले मैंने लाइट ग्रे कलर किया है जहाँ पर मुझको शेडो दिखानी है, ओके। और उसके बाद मैंने डार्क ग्रे कलर किया है उसके पास में, ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो इसकी ये मैंने कुछ इस तरीके से शेडो दिखाई है और बिल्कुल ऐसे ही शेडो हम दिखाएंगे इसकी लीव में, ठीक है। तो ये हमारी ड्राइंग बन करके रेडी हो चुकी है। जस्ट थोड़ी सी फिनिशिंग हम इसमें दे देंगे अगर आप देना चाहें तो। तो ये रेडी है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टाटा।